कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ अपने ONGC घूमने के लिए। मतलब घूमने के लिए क्या, मम्मी जा रही हैं दवा के लिए तो मैं भी साथ में जा रही हूँ, क्योंकि ONGC जाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ONGC जो है मेरा पुराना फेवरेट घर था, तो पहले हम लोग वहाँ ही रहते थे। तो बेहद खूबसूरत जगह है। तो देखिए मैं इधर से जा रही हूँ, ये ONGC का आपको बोर्ड भी दिखाई देगा। और यहाँ पे है बड़ौदा का डेयरी सर्कल, आप देख सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये बड़ौदा का आप ये देख रहे हैं, डेयरी वाला रोड है ये, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन। अब हम लोग यहाँ से जो है कि ONGC का गेट आएगा, उसके बाद हम लोग फिर अंदर एंटर होंगे। ये यहाँ से हमारे ONGC का गेट है। गेट के अंदर मैं एंटर हो रही हूँ। ONGC के अंदर मैं एंटर हो गई हूँ। और ONGC के अंदर जाते ही मेरा मन जो है एकदम बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे सब जो है दोनों यहीं पे बड़े हुए हैं। और अंदर का आप मंज़र देखेंगे, इतना खूबसूरत मंज़र है कि ग्रीन ग्रीन और फ्रेश हवा और साफ़ सफाई इतनी अच्छी रहती है कि बिल्कुल भी किसी तरह का परेशानी नहीं होता है। और इतने सारे यहाँ पे पेड़ हैं, इतने सारे पेड़ हैं कि हमेशा जो है ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है। देखिए कितना अच्छा, कितना बड़ा सा यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे फुटबॉल मैच वगैरह होते हैं। और जब भी बच्चों को खिलाने का मन करता है तो बाहर लेके हम लोग निकल जाते थे। और ये गार्डन वगैरह में झूला भी लगा रहता है, तो हम लोग खिला कर फिर थोड़ी देर बैठ जाते थे। मन इतना अच्छा बहल जाता था कि मैं क्या बताऊँ आप लोग को। अब बस कभी कभी आना होता है, क्योंकि अब पापा हैं नहीं तो हम लोग यहाँ पे रहते नहीं हैं, लेकिन जब भी कोई बहाना मिलता है आने का तो हम लोग आ ही जाते हैं यहाँ पे। तो मम्मी को दवाइयाँ लेना था और बैंक का भी काम था, तो मैंने सोचा कि चलिए हम सब साथ में चलते हैं। और ये यहाँ का ONGC के अंदर का जो है शॉपिंग सेंटर है, यहाँ पे हर चीज़ खाने की चीज़ मिलती है। और ये है बैंक, तो मम्मी को बैंक में काम था सबसे पहले, तो यहाँ पे बस मम्मी को उतार देते हैं। उसके बाद हम लोग फिर आगे जाएंगे, थोड़ा सा जब तक के घूम लेंगे हम लोग। मम्मी बैक में गई है, चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। हाँ ये बहुत बड़ा गांव है। जब हम लोग जिस मकान में रहते थे ना, उसके पीछे है ना इतना अच्छा, वो ठक 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 करके जो चीज़ें खोदता नहीं है लकड़े, वो क्या है कि यहाँ पे रोडों पे जो है कि काफ़ी मोर्स वगैरह सब घूमते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंसानों की आबादी थोड़ी सी कम हो गई है अब। फरहान का हाथ पकड़ लो, देखो बड़ा वाला ग्राउंड जहाँ पे यहाँ पे पतंग चढ़ाते थे ना तुम, उस तरफ कहाँ? आज यहाँ पे आके दोस्तों ऐसा लग रहा है कि पुराने दिन याद आ रहे हैं। और हम लोग बहुत सालों तक यहाँ पे रह चुके हैं, लेकिन अब क्या है कि अब नहीं रहते, क्योंकि रिटायर हो गए हैं मेरे फादर, तो हम लोग दूसरी जगह रहने चले गए हैं। लेकिन ये जगह की याद हमें बहुत आती है, हमेशा ही आता है। इतना प्यारा जगह, इतना प्यारा जगह,
बहुत ही कम देखने को मिलता है। आपको धूप में गर्मी में बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं होगा कि ये कौन सा मौसम है। इतना अच्छा सुहाना प्यारा, देखिए इतना धूप है, दिन का 1 बज रहा है लेकिन आपको इतना अच्छा मौसम यहाँ पे लग रहा है, ज़रा भी गर्मी महसूस नहीं हो रही है। और ये बड़ा सा ड्रोन है। फरहान वहाँ पे मत जाओ, गिर जाओगे। ये बड़ा सा ड्रोन है, यहाँ पे हमारे बच्चे जो है कि पतंग वगैरह चढ़ाने के लिए आया करते थे। देखिए यहाँ पे बॉल वगैरह भी खेलते थे बच्चे, बहुत ही प्यारा जगह है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, बस कुछ बैंक वगैरह का काम होता है ना तो आते हैं, बस थोड़े से बिल्डिंग में थोड़े लोग रहते हैं और जो रिटायर हो जाते हैं उनको ये जगह खाली करके जाना पड़ता है। और पहले जो मकान में हम लोग रहते थे वो मकान तो टूट चुका है, लेकिन फिर भी वो जगह मैं आपको दिखाऊंगी कि पहले हम लोग कहाँ पे रहते थे और कितना प्यारा जगह था। देखिए पीकॉक बोला, अरे वाह कहाँ पे है, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स अब रहने लग गए हैं, पहले से ही रहते थे लेकिन अब जो क्या है कि इंसान की आबादी थोड़ी सी कम यहाँ पे हो गई है ना, तो अब ज़्यादा रहने लग गए हैं। इस वक्त पे नहीं दिख रहे हैं, ऐसे रोडों पे चलते हुए आपको मोर वगैरह सब दिखेंगे। अभी दोपहर का टाइम है तो शायद सब अपने अपने जगह पे हैं, लेकिन आपने आवाज़ें सुनी होगी पीकॉक का। ये यहीं पे कहीं पे छुप कर बैठा हुआ है ना, दिखाई दे रहा है क्या? ज़ूम करके ना, ज़ूम करो ना आप, ऐसे ऐसे यूं करो, चलो फिर पापा वेट कर रहे होंगे वहाँ। तो चलिए अब हमारे जाने का वक्त हो गया है, वैसे जाने का मन तो नहीं कर रहा है लेकिन जाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी का काम हो चुका है बैंक का, तो आगे जाएंगे दवाइयाँ लेंगे, वो ले लेंगे, चले जाएंगे गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। वो थोड़ा सा अंदर का मैं दिखा देती हूँ, थोड़ा और भी देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। और अभी तो खैर बारिश का वक्त है, लेकिन जब बारिश का वक्त नहीं रहता है फिर भी यहाँ का ऐसे ही नज़ारा होता है, एकदम ग्रीन ग्रीन का, बेहद प्यारा खूबसूरत। मैं अपनी गाड़ी की ओर जा रही हूँ, वहाँ से निकल जाऊँगी, थोड़ा सा अंदर घूमूँगी, घर चली जाऊंगी। और हमारे साथ में फरहान है जो बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, बहुत बदमाश है ये लड़का, तो ये तो हमें कहीं भी छोड़ता नहीं है अकेला, तो इसे भी ले ली थी। चलिए अब मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ, थोड़ा सा अंदर घूम के उसके बाद फिर घर चली जाऊंगी। ये था हमारे ओएनजीसी के अंदर का नज़ारा जो आपने देखा, और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह आपको भी अच्छा लगा होगा। आजकल ऐसा नज़ारा ग्रीन ग्रीन जो है ये सब जगह देखने के लिए कहाँ मिलता है, बहुत कम ही जगह मिलता है, क्योंकि हर जगह पे तो ट्रैफिक और बिल्डिंग्स वगैरह बन गए हैं, तो शहर में इतने अच्छे नज़ारा कम ही देखने को मिलता है। जब भी मन करता है तो कुदरत देखने का तो यहाँ पे बस आ जाती हूँ, और ये सब जो है कि
हमारे उन्नीसी में बहुत ही अच्छे से संभाल के रखा हुआ है ये सब सरकार ने, और यहाँ की साफ सफाई काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया जाता है, और यहाँ पे हर जगह पे गार्ड्स रहते हैं और हर एक चीज़ की ध्यान रखते हैं, और कोई भी यहाँ पे बाहर का एक भी आदमी नहीं आता है जब तक कि वो आप पास नहीं दिखाया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बस अल्लाह हाफिज़।